इस वीडियो में हम HTML के डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड चेंज करना सीखेंगे कि बैकग्राउंड में अगर हमने कलर चेंज करना हो या इमेज जो है वो प्लेस करनी हो बैकग्राउंड में HTML के डॉक्यूमेंट में, तो वो कैसे की जाती है उसके बारे में हम देखते हैं। तो बेसिकली द बैकग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड इमेज ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट आर स्पेसिफाइड यूजिंग टू डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ द बॉडी टैग्स। तो बॉडी के टैग्स हैं दो, जिनके थ्रू हम बॉडी बैकग्राउंड कलर या इमेज जो है वो HTML का जो है HTML के डॉक्यूमेंट का चेंज कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड कलर सिंपली फिल द एंटायर डॉक्यूमेंट्स, यानी कि बैकग्राउंड का जो डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड जो है वो उस कलर से जो है वो फिल अप हो जाएगा अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं। द बैकग्राउंड इमेज आर टाइल्ड बाय द ब्राउज़र, इट मीन्स दैट दे आर रिपीटेड लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, फिलिंग अप द विजिबल स्पेस ऑफ द ब्राउज़र। सो इमेज जो है बेसिकली वो ब्राउज़र की बैकग्राउंड में सेट हो जाएगी ब्राउज़र के, और दैट विल बी अ रिपीट हो रही होगी ये इमेज या तो लेफ़्ट से राइट या टॉप से बॉटम में, जो ब्राउज़र की स्पेस जो होंगी विजिबल स्पेस, उन विजिबल स्पेस में जो है वो आपको इमेज जो है वो रिपीट होती हुई नज़र आ रही होगी एज ए बैकग्राउंड। टू डिफाइन अ बैकग्राउंड कलर ऑफ अ डॉक्यूमेंट, एड अ बीजी कलर एट्रीब्यूट टू द बॉडी टैग एज बॉडी बीजी का इक्वल टू कलर नेम। सो अगर आपने बैकग्राउंड का कलर जो है वो स्पेसिफाई करना हो डॉक्यूमेंट का, तो आप बीजी कलर का एट्रीब्यूट जो है वो यूज़ करेंगे और बॉडी के टैग के अंदर यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो बॉडी बीजी कलर इज़ ए एट्रीब्यूट एंड कलर नेम जो है वो आप स्पेसिफाई करेंगे। कलर जो है वो आप दो तरीक़ों से स्पेसिफाई कर सकते हैं, सेट द बीजी कलर एट्रीब्यूट्स इक्वल टू हेक्साडेसिमल्स कलर वैल्यू और प्री डिफाइंड कलर नेम। तो या तो आप हेक्साडेसिमल्स की वैल्यू के थ्रू जो है उस कलर का नाम स्पेसिफाई कर सकते हैं या उस कलर को स्पेसिफाई कर सकते हैं, या प्री डिफाइंड नेम्स हैं कलर के वो आप यूज़ करते हुए बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि कैसे हम हेक्साडेसिमल्स वैल्यू या नेम यूज़ करते हुए बैकग्राउंड का कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। और इसकी एग्जाम्पल अगर हम देखें तो बॉडी के टैग में बीजी कलर है और ये हमारे पास हेक्साडेसिमल्स वैल्यू है जो कि बैकग्राउंड का कलर जो है वो चेंज करेगी। इसी तरह और ये जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो हमने स्पेसिफाई किया, ये ब्राउज़र के अंदर जो भी टेक्स्ट अपीयर होगा उसका कलर जो है दैट विल बी अ वाइट कलर जो है वो टेक्स्ट का डिस्प्ले होगा, वाइट कलर में टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले होगा। सो टू स्पेसिफाई अ बैकग्राउंड इमेज, एड अ बैकग्राउंड एट्रीब्यूट टू द बॉडी टैग एज, यानी कि बॉडी के टैग के अंदर आप बैकग्राउंड एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करेंगे और पिक्चर फाइल जो है उसका नाम आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। पिक्चर फाइल कोई भी आप जो पिक्चर पीछे एज ए बैकग्राउंड सेट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं, .jpg, .pmp, gif, एनी फाइल दैट इज़ अ पिक्चर फाइल आप उसको सेट कर सकते हैं एज ए बैकग्राउंड के तौर पर। तो सेट द बैकग्राउंड एट्रीब्यूट इक्वल टू द पाथ ऑफ इमेज फाइल ऑन द कंप्यूटर। ये जो फाइल आप स्पेसिफाई करेंगे, आप बेसिकली पाथ स्पेसिफाई करेंगे जहाँ पे आपने वो इमेज कंप्यूटर में आपकी अवेलेबल है। सो वो पूरा पाथ आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे विद फाइल नेम, तो वो फाइल जो है वो एज ए बैकग्राउंड में सेट हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जैसे बॉडी और बैकग्राउंड जो है एट्रीब्यूट हमने यूज़ किया, और ये हमारे पास जो पिक्चर है इस पिक्चर का नाम हमने स्पेसिफाई किया। यहाँ पे हमने पाथ इसलिए नहीं स्पेसिफाई किया कि जो फाइल आप HTML की डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं जिस फोल्डर में जहाँ पे, वहीं पे ये पिक्चर फाइल भी जो है वहाँ पे मौजूद है। इट्स दैट्स वाई कि आपको पूरा पाथ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, जब आपकी डॉक्यूमेंट वेब HTML डॉक्यूमेंट जो है उसी फोल्डर में मौजूद हो जहाँ पे इमेजेस मौजूद हों, तो जस्ट आप फाइल का नाम जो है वो स्पेसिफाई करेंगे और ये टेक्स्ट का कलर आपने जो है वो स्पेसिफाई किया। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे और उस एग्जांपल में देखेंगे कि कैसे बैकग्राउंड का कलर जो है वो हम चेंज करते हैं। जी, ये हमारे पास नोटपैड प्लस प्लस में हम कोड टाइप किया जिसको अब हम एग्जीक्यूट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस फाइल को हमने सेव करना है, और फाइल को सेव करने के लिए इसका नाम जो है मैं
डॉक्यूमेंट बैकग्राउंड डॉट एचटीएमएल के नाम से इस फाइल को मैंने सेव किया जी। अब इस जी इस फाइल को जहाँ पे सेव किया वहाँ हम इस फाइल को ओपन करते हैं, वेब ब्राउज़र के अंदर डबल क्लिक किया और ये फाइल जो है हमारे सामने जो हमने सेव की थी उसके कंटेंट जो है वो डिस्प्ले हो गए। अब हम दोनों एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं और कलर चेंज करते हैं। बीजी कलर जो था फर्स्ट ऑफ ऑल बैकग्राउंड कलर जो है वो हम चेंज करते हैं, साथ टेक्स्ट जो है फाइल को सेव किया और ब्राउज़र को हमने रिफ्रेश किया तो ये अभी बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो गया। बेसिकली हमने जो एट्रीब्यूट यूज़ किया वो एट्रीब्यूट हमारे पास बीजी कलर का एट्रीब्यूट यूज़ करते हुए हमने कलर को चेंज किया। सेम इसी तरह अगर हम बैकग्राउंड इमेज प्लेस करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड का एट्रीब्यूट जो है वो यूज़ करते हुए हम पिक्चर नेम स्पेसिफाई करेंगे। तो बेसिकली पिक्चर है जिसको हमने स्पेसिफाई किया, सेव किया, सेव करने के फौरन बाद जो है इसको आप रिफ्रेश कीजिएगा तो ये बैकग्राउंड इमेज जो है हमने जो है वो सेट की है एज ए बैकग्राउंड वेब ब्राउज़र के अंदर। तो बेसिकली टेक्स्ट का कलर वाइट है और बैकग्राउंड में जो है वो इमेज हमारे पास जो है वो प्लेस होगी एज ए बैकग्राउंड इमेज के तौर पर। तो ये बैकग्राउंड के जो थी दो एट्रीब्यूट्स कलर और इमेज को कैसे लगाया जाता है बैकग्राउंड में तो वो आज हमने इस वीडियो में स्टडी की।